बाईपास रोड डायरेक्ट किया इसे नमन नितिन मुकेश ने, और जिसके अंदर कास्ट है वो है नील नितिन मुकेश, अदा शर्मा, सुधांशु पांडे, गुल पनाग और भी बहुत सारे अन्य कलाकार हैं। जो बाईपास मूवी की जो स्टोरी है वो ये है कि इसमें ये थ्रिलर है, यानी इसमें मर्डरर को ढूंढना होता है कि इसमें कातिल कौन है। एक लड़की का मर्डर हो गया होता है, अब उसके कातिल को ढूंढना है कि वो मर्डर किसने किया, क्यों किया, क्या मकसद रहा होगा और आगे आने वाली उसकी प्लानिंग क्या है, वगैरह वगैरह। इस मूवी की जो ये कहानी है वो ये है। बाकी डिटेल से तो ऐसे क्या बताऊंगा मैं। अब तक किसी ने अगर थ्रिलर की कोई मूवी नहीं देखी जिसके अंदर मिस्ट्री मर्डर होता है, मतलब किसी ने किसने कत्ल किया, वो कातिल कौन है, मतलब ऐसी सस्पेंस वाली मूवी अभी तक किसी ने नहीं देखी। देखो किसी ने नहीं देखी आज तक, मतलब पिछले हॉलीवुड की बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखी उसने, वो ये मूवी देख सकते हैं। बाकी अगर जिन्होंने बॉलीवुड की मूवी वो मर्डर वाली देखते आ रहे हैं, मिस्ट्री वाली ऐसी देखते आ रहे हैं, थ्रिलर वाली मूवी देखते आ रहे हैं, या फिर हॉलीवुड की वो देखते आ रहे हैं, तो भाई देखो एक सिंपल सा बॉलीवुड का फंडा क्या होता है ना, एक बंदा होता है नील नितिन मुकेश के अंदर जिसका नाम है विक्रम कपूर, विक्रम कपूर ठीक है, वो मर्डर नहीं है ठीक है, कभी सोचो ये मर्डर है, वो मर्डर नहीं है, वो बंदा है ठीक है, उसको शक है एक इंसान के ऊपर ठीक है, जो आपको कैसा दिखाया जाएगा उसके अंदर वो बहुत ही सस्पेक्ट दिखाया जाएगा, वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उस पर लगता बहुत है, उसकी बुराई बहुत करता है, मतलब ये सब, उससे नफरत बहुत करता है, डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई जाएगी। और दूसरी तरफ ऐसा दिखाया जाएगा जो उससे प्यार करता है, फलाना ऐसा धमकाना चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब क्या होता है, अब यार जिस बंदे ने, अब जो डायरेक्टर होते हैं ना उनका मेन मोटिव होता है कि जो जो सस्पेक्ट नहीं है और जिसको धक्के से बनाने की, ताकि ऑडियंस की नज़र में इसे सस्पेक्ट बना दिया जाए, उसे बनाने की कोशिश की जाती है। यार पागल है क्या है? मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब कि साफ पता है सस्पेंस कहाँ रह जाएगा। अगर हमें पता ही है उसको सस्पेक्ट बना के बैठे हो, अगर उसी को ही कातिल लगा दोगे तो सस्पेंस कहाँ रह जाएगा, फिर तो वही बोरिंग लगेगी। सस्पेक्ट वहाँ रहेगा कि भाई जिसपे हमें उम्मीद दी थी उसके ऊपर निकलेगी। लेकिन इतनी मूवीज देख चुका हूँ ना, इतनी ज़्यादा, कि पहले ही पता था यार ये नहीं है, जिनके ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, जिनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हाँ ये जो इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं ये बंदे, और ये इससे नफरत करते हैं, या उसकी सौतेली माँ हो गई, या उस सौतेली माँ का वो बॉयफ्रेंड हो गया, वगैरह वगैरह, तो ये सब पता चलता है कि भाई ये नहीं है, क्योंकि ये इस पर लगते हैं तो ये मर्डर कहाँ से हो जाएंगे भाई, कोई और ही निकलता है ठीक है। अब मैं क्या बताऊं यार, वो जब तुम मूवी देखोगे ना अपने आप समझ जाओगे हाँ इसमें ये मर्डर है, और जब ये रिवेल्व होता है ना कि हाँ ओ वाह ये मर्डर निकला, भाई कोई रिएक्शन नहीं निकलेगा ऐसे देख के, ओ ना बिल्कुल बोरिंग सा बस ऐसे बैठ के, अच्छा ठीक है बस इतना अपना चल चल पड़ेगी। मुझे तो कोई पसंद आई नहीं यार ठीक है। देखो मेरा ओपिनियन मत जाना, मेरा पर्सनल है, देखो जी मैं पहले ही कह रहा हूँ, जिसने आज तक नहीं देखी कोई मूवी ऐसी थ्रिलर वाली, कोई मर्डर वाली, वो ये जाके मूवी देख ले, लेकिन जो देख चुके हैं और जिनको ये स्टोरी समझ आ जाती है, तो वो बंदे बैठेंगे और थोड़ी सी देर बाद उनको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे मर्डर कौन है। और कहानी की जब ये चल रही होती है वो बीच बीच में बताएंगे कि क्या सीन हो रहा होता है, मतलब बीच में फ्लैशबैक फ्लैशबैक थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे कहानी को जोड़ने के लिए, या कहीं कहानी को आपको पूरा समझने के लिए उन्होंने इसलिए कि ये छोटे छोटे सीन इसलिए दिखाए हैं ताकि आप पूरी फिल्म तक बैठे रहो। बट थोड़ी लेंथी मुझे लगी, कि 2 घंटे से भी ज़्यादा की ये मूवी, वहाँ बैठ के इसको देखना थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा लेंथी लगी। एक टाइम ऐसा आया जब मूवी देखते देखते मुझे लगा कि यार अब बस बहुत हो गया, और अब रिवील कर दो जिसने मारा है बस, ताकि मैं घर जा सकूं। वैसे घर तो मैं पहले भी जा सकता था, लेकिन चल छोड़ो, मूवी पूरी देखनी बनती है, रुपए पूरे दिए होते हैं तो मूवी भी पूरा देखना ही बनता है। अब स्टार की बात करें इस मूवी को देने के, तो मैं इसे देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार। देखो मुझे पर्सनली मूवी जैसी लगी मैंने आप लोगों के सामने रखा, शायद किसी को जो ज़्यादा मूवी पसंद आ सकती है, शायद कोई नील नितिन मुकेश जी का फ़ैन हो सकता है या उनको चाहने वाले हो सकते हैं, उनको ये मूवी पसंद आ सकती है, या जो स्टार अलग जो स्टार हैं उनके जो फ़ैन हो सकते हैं उनको ये मूवी पसंद आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को मूवी बुरी लगेगी या एवरेज लगेगी या बहुत बढ़िया लगेगी, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ है भाई साहब ठीक है। तो मेरे जो एक्सप्रेशन है वो मैंने व्यक्त कर दिए, अपने थॉट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, तो भाई जिसने जो गुस्सा निकालना है वो निकाल लेना, वो डिसलाइक वाला बटन है वहाँ पर डिसलाइक कर देना, और जिनको ये पसंद आए वो बेशक लाइक कर देना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।